नवी मुंबई को डिस्ट्रिक्ट बनाइए। जी हाँ, के कुमार का बीड़ा है ये, और के कुमार जी को नमस्ते दोस्तों जी, हमें जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और आज मैं आपको एक सनसनीखेज खबर लेके आ रहा हूँ। जी हाँ, नवी मुंबई को एक डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, और ये कोशिश कई दिनों से हो रही है, लेकिन अब इसको इसका टूल पकड़े जा रहा है। जी हाँ, और इसका पूरा का पूरा बीड़ा उठाया है के कुमार जी ने। जी हाँ, जो कि कॉन्शियस सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं और कई आवाजों को उन्होंने सरकार तक पहुंचाया। हम लोग आज से ही नहीं, पिछले 10 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी संस्था ये कोशिश कर रही है कि नवी मुंबई को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिले। हम लोगों ने देखा है कि नवी मुंबई जितना फास्ट ग्रो कर रहा है, इसमें पॉपुलेशन लोड इतना ज्यादा हो रहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए एक डिस्ट्रिक्ट सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पिटीशन डाला, पार्लियामेंट्री कमेटी में हम लोगों ने यह बताया कि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है, तो उसके हिसाब से हमारे जो नवी मुंबई का पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट लगभग 35 लाख है, और हर साल लगभग 10-20 हजार यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है। और यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स महदूद हैं, वर्ल्ड क्लास का हमारे यहाँ पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब डीवाई पाटिल स्टेडियम्स हैं, और वर्ल्ड क्लास का सिटी नवी मुंबई को डेवलप किया है सिडको ने, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। अभी तो जस्ट रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री साहब ने नवी मुंबई में सीएम का एक का ऑफिस डेस्क बनाया है कि लोकल लोग जो हैं उनको वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हो, मंत्रालय जाने की जरूरत ना पड़े। तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज यहाँ पे हैं, रिजर्व बैंक यहाँ पे है, एपीएमसी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो मेरा कहना, और वेल प्लान्ड सिटी है, मतलब इतना एडवांस सिटी है कि जो हम आज एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये एक स्मार्ट सिटी से एडवांस सिटी है। 1970 में जब सिडको ने अनाउंस किया था इसको, तो उन्होंने सैटेलाइट सिटी का नाम दिया था, मतलब अंतरिक्ष का शहर, जो मतलब एक स्मार्ट से भी एक स्मार्टर सिटी बनाया है इन्होंने। तो मैंने इसलिए मांगा कि यहाँ पे कलेक्टर नहीं है। नवी मुंबई का जो कंस्ट्रक्शन है, आधा पार्ट इसका थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, आधा पार्ट इसका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए कि थाने डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं, कोर्ट भी यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं है यहाँ पे कि जो इधर का डिस्प्यूट हो कोर्ट में निपटा जा सके। तो बहुत सी चीजें जो थोड़ा बहुत फेरबदल, कोर्ट का भी यहाँ पे बिल्डिंग बन गया है और अच्छा बिल्डिंग है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया जा सकता है, और बाकी सारी सुविधाएं हैं, कोई खास इसमें मेहनत नहीं करना है, सिर्फ गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति हो और यहाँ के जो पब्लिक्स हैं उनकी तकलीफ को देखते हुए, उनके पब्लिक की डिमांड को देखते हुए हम लोग ये मांग 10 साल से कर रहे हैं कि इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी नवी मुंबईकर से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे इस मुहिम को वो अपना समर्थन दें, हमें अपना सहयोग दें, ताकि हम जल्द से जल्द हम सब मिल करके नवी मुंबई को एक नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दें। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि शिवसेना कांग्रेस तो पहले ही हमको समर्थन दे चुकी है। वो कैसे, इन्होंने पहले ही अपना नवी मुंबई जिला प्रमुख नियुक्त किया हुआ है, नवी मुंबई जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है। जब नवी मुंबई जिला नहीं है तो जिला प्रमुख नहीं हो सकता, जब नवी मुंबई जिला नहीं है तो जिला अध्यक्ष नहीं हो सकता। सारे पॉलिटिकल पार्टी ने ऑलमोस्ट नवी मुंबई को एक जिला मानते हुए जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आज वो भी अपनी ताकत लगाए और नवी मुंबई के जनता के सुविधा के लिए, नवी मुंबई के जनता के फायदे के लिए इसको डिस्ट्रिक्ट देना जरूरी है। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तो हमारे यहाँ रोजगार भी उत्पन्न होगा, जब सरकार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जब फंड इश्यूज करती है डिस्ट्रिक्ट को, तो वो डिस्ट्रिक्ट हमको, नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट को भी फंड मिलेंगे, डेवलपमेंट फंड मिलेंगे, और नवी मुंबई का जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है वो उसमें एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो मेरा वापस फिर डिमांड है कि नवी मुंबई की जनता जागे, हमारी आवाज को बुलंद करे, ये हम सभी नवी मुंबईकर का आवाज होना चाहिए कि नवी मुंबई को जिला बनाना चाहिए। ठीक है सर, नवी मुंबई जब डिस्ट्रिक्ट यदि हो गया तो उससे होने वाले जनता को क्या फायदे होंगे? देखिए, पहला फायदा तो ये होता है कि जब जनता जो कंफ्यूजन में है कि हमारा थाना डिस्ट्रिक्ट में जाना है कि हमको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कलेक्टर यहाँ बैठ जाता है, कलेक्टर बैठने से जो सिविक प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाता है यहाँ पे। दूसरी बात, मैंने आपको अभी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फंड मिलता है, एलोकेट होता है, वो फंड हमको भी मिलने लगेगा, मेरा रेवेन्यू
कुछ रेवेन्यू आज हम थाने डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, कुछ रेवेन्यू मेरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, जो हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में यूज होगा, तो फायदा ही फायदा है डिस्ट्रिक्ट। और दूसरी बात है, जब भी पॉपुलेशन लोड होता है तो गुड गवर्नेंस के लिए, सब नागरिक सुविधा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाना अनिवार्य है और जरूरी है। कि डिस्ट्रिक्ट आखिर डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाया जाता है अगर कोई फायदा ही नहीं है तो? गढ़चिरौली वगैरह है जिसमें 10 लाख से कम का था तभी वो बना है डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ तो बताया ना मैंने कि 35 लाख से ऊपर है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट, तभी इतनी बड़ी महानगर पालिका भी है। महानगर पालिका है, एक नगर पालिका है, दो दो यहाँ नगर पालिका चल रही है, एक महानगर पालिका है, एक नगर पालिका, तो ये दोनों को मिला करके इसका एक बड़ा स्टेटस बनाया जा सकता है। और नवी मुंबई मैं बताता हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट बन गया तो आप जान लीजिए कि ये वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट होगा, इतना एडवांस डिस्ट्रिक्ट आपको हमारे इंडिया में दूसरा नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट में जाइए और हमारा फेसबुक के लिंक पे